इनके पास फ्लैश और ये तो टीम फ्लैश हुए हैं। यश टू फॉल बैक, ट्रेल ब्लेजर को रिस्पेक्ट करेंगे और ये तो रॉसी को भी स्पेक्टेट कर लिया, ये देख लेंगे रॉसी को। स्पैम बहुत ही बढ़िया और एक बहुत मैसिव एडवांटेज ग्रे फॉक्स के पास आ चुका है। छोटी सी गलती स्पार्डस, वो डॉग तोड़ना था डॉस नाइन को पीछे जाते हुए, वो ट्रेल ब्लेजर टूटता तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तब शायद रॉसी फ्लैश प्ले कर सकते थे। बट अब तो डॉस नाइन इनको एक इंटरेस्टिंग पोजीशन के अंदर रखा हुआ है और एट रैंकिंग थोड़े से ज्यादा ग्रीडी, फ्लैश बहुत अच्छा लेकिन होक्स का सपोर्ट उससे भी फॉक्स के सारे ही खिलाड़ियों को। अच्छा स्मोक ड्रॉप किया है सेवरीन ने, लेकिन ये कहीं ना कहीं ग्रे फॉक्स के प्लेयर्स को कंफर्टेबल करेगा वॉक इन करने के लिए। ओ पहला फ्रैग, चलिए एक तो मिलेगा बट टाइम पे कोहली के पास परफेक्ट एंगल है बट नो स्किल्स पे तो फर्स्ट फ्रैग, दो खिलाड़ी बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी हैं जरूर, यहां स्किल्स के पास मौका हो सकता है सो क्लच करने का बट सही डायरेक्शन में नहीं देख रहे। अगर आपको माउंट के आसपास फ्रैग मिला है तो मे बी लेट्स डबल अप और ये तो कॉम्बो पड़ गया, वाइपर का स्नेक बाइट और वैसे भी शील्ड्स है नहीं इस राउंड के अंदर तो मार्शल तो वन शॉट करेगी ही। साहब ने कहा चलो अल्टीमेट भी फार्म कर लेते हैं और एक बहुत स्टैंडर्ड रेवेनेंट प्ले जहां पर लगातार पैराडॉक्स स्टार्ट करने वाले एमेन के बाहर स्पार्टस, राउंड स्टार्ट पे वन वे आएगा एमेन पे और उसके कुछ ही समय बाद ये वॉल डिप्लॉय कर दी जाएगी। सो लेट्स सी क्या ग्रे फॉक्स कुछ वॉल रिव्यू करके आइए, क्या कुछ काउंटर प्ले यहाँ पर बनाया जाता है नहीं ग्रे फॉक्स की तरफ से। ये राउंड में तो ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ, फैक्ट ढूंढ रहे थे और सेवरीन फंस सकते हैं, बच गए। 27 एचपी पे एस्केप करने में कामयाब हुए थे बट रॉसी ये ड्यूअल फोर्स कर रहे थे एंड सायो बिल्कुल पनिश करेंगे बट पैराडॉक्स स्नीकली वॉकिंग शुरू कर चुके हैं सी साइड के ऊपर, काफी अच्छा लॉकडाउन स्किल्स का और ये सारे फ्रैग्स पैराडॉक्स के लिए आ सकते हैं यहाँ सपोर्ट करने के लिए। सेवरीन भी है लेकिन सिर्फ एम ड्यूअल से सपोर्ट किया जा सकता है क्योंकि कुछ है नहीं उनके पास, पैराडॉक्स विद वन सेवरीन को पीक करना पड़ेगा यहाँ बट नो इट इज एट इज स्टे। लेकिन ये ड्यूअल्स, ये सारे ड्यूअल्स जाएंगे ग्रे फॉक्स के पक्ष में, सायो विद दैट 3K और अब तो पांचवा राउंड आ रहा है ग्रे फॉक्स के पक्ष में। आइडिया बहुत अच्छा था स्पार्टस लेकिन वो जो अर्ली SK एक सेकंड यू'ल गेट ट्रेडेड राइट सेवरीन, हां ऐसे ही स्टार्ट होगा, परेशानी में डाला जाए ग्रे फॉक्स को। वाइपर वॉल टू कट ऑफ द एंगल्स, सायो वॉक इन कर जरूर रहे हैं उसके पीछे पीछे बट एक बी पिवट ये सीकर्स के साथ इन्फॉर्मेशन मिल रहने वाली है बट पैराडॉक्स एनाइलेशन का शायद इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन उससे पहले सायो विद अ शो स्टॉपर एक निकालेंगे और रॉसी को भी एलिमिनेट करके राउंड फिर से ग्रे फॉक्स ने अपने पक्ष में खींचा है। जो वीक और वेपन्स थे वो मुझे लगता है पूरी तरीके से काउंटर हो गए हैं और ये डबल हेवन पुश या डॉस नाइन ये नहीं तैयार है इसके लिए। कोहली का एक और फ्रैग और अल्टीमेट ने बदला राउंड, अभी भी खत्म नहीं हुआ है लेकिन ऐसा एंगल दर पहले डेडलॉक यूटिलिटी रहेगी उसके बाद प्लेयर्स अब यहाँ आइसोलेटेड डुअल्स है शॉट्स वेव और सेवरीन को उसके वजह से पनिश किया गया है एड्रियन किंग की तरफ से, रीसेट भी मिलेगा। एनाइलेशन यूज किया बट कुछ भी नहीं मिला उस एनाइलेशन से, अभी तक फेंका नहीं है, बचा रहे हैं खिलाड़ी और उस पे डॉस नाइन अपनी मोहर लगाएंगे। ही इज गुड फॉर द थर्ड, एक और पॉप फ्लैश का इंतजार था जरूर, सैचल मूवमेंट उससे ही बढ़िया, डॉस नाइन स्टिल सर्वाइविंग और एक 3K निकाला एंड्रू किंग तो राउंड को फिर से कंटेस्ट में लेके आए जरूर थे, बड़ा इसके रॉस भी इधर क्लीन अप बॉक्स ऑन द डिफेंसिव साइड और सीधा मिड स्प्लिट आया जरूर है, ड्यूअल्स नहीं जीत पाएंगे लेकिन ग्रे फॉक्स होक्स सायो एंड वेंका वन फॉर ईच और राउंड तो ऑलरेडी स्नोबॉल कर लिया ग्रे फॉक्स ने अपने पक्ष में। कुछ भी यहाँ पे रेवेनेंट जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो कर नहीं पाए, ड्यूअल सारे के सारे अगेंस्ट गए और 20 सेकंड के अंदर ही ये जो 4v2 बना है वो लग रहा है कि अब ग्रे फॉक्स के पक्ष में ही जाने वाला है अंटिल अ ह्यूज क्लच हैपेंस फ्रॉम एसके रॉसी, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई उम्मीद दिख नहीं रही है इस राउंड में। वैसे तो ड्यूअल है, नेवर माइंड हार गए स्किल्स, चलिए ये राउंड तो समाप्त है, एक 1v4 एक शेरे पाथ में प्लेयर्स की पोजीशन अननोन या सायो वाइट स्विंग गेट्स द फ्रैग, सामने आउटलॉ देख गई है ना तो ये तो आपको काम करना पड़ेगा। फिलहाल इन्फॉर्मेशन था नहीं, वो ड्रोन जो टैग खाया यहाँ पर होक्स ने वो काफी अच्छा था, पैराडॉक्स को वैसे चढ़ा दिया है पर सायो उसको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तीन राउंड हो सकता उनके लिए जरूर है लेकिन डॉस्टाइन प्ले बनाना चाहते थे एंड होक्स आई कंपोजर वैल्यू दिलाएगा विद द फ्रैग, सायो पीछे से रॉसी को पिक करेंगे लेकिन स्किल्स लर्क आए जरूर है लेकिन शॉट भी नहीं ले पा रहे हैं यार, इट्स टू लेट और होक्स भी पिक ऑफ हो गए और उसके बाद रॉसी विद वन अनदर, ये डबल पिक्स पहले थोड़ी करनी चाहिए थी, गलती कर दी और ग्रे फॉक्स अब अकेले एड्रियन किंग, लेकिन एक सेकेंड 1v1 टाइम अभी भी है, टैप करेंगे और पैराडॉक्स को बेट आउट करा लिया, चलिए लेकिन पैरा बहुत अच्छी जंपिंग इन्फॉर्मेशन मिल गया है और एड्रियन किंग को रन डाउन करवा दिया। डॉस नाइन परफेक्ट डैश और परफेक्ट अल्टीमेट का पेयर अप
बहुत आराम से साइड में गए हैं रॉजी, फ्लैंक भी क्लियर अप करते हुए सेवरीन देंगे उनका सपोर्ट और एक फ्लॉलेस राउंड रेवेनेंट के पास। रॉसी का हंटर्स फ्यूरी भी कुछ नहीं निकालेगा, 15 सेकंड्स स्पार्टस, मॉली बची है क्या? सायो के पास मॉली है, डॉसनाइन ने होक्स को पिक ऑफ किया लेकिन जाते जाते मॉली ड्रॉप हो गया था, कोहली को फ्राग मिला, सायो एक और निकाल के लेकर जाएंगे, स्किल्स विद द ट्रेड फॉर ऑल दिस प्लेयर्स आर फाइनिंग नहीं है, सायो विद द परफेक्ट स्पैम एंड ग्रे फॉक्स विद द राउंड। स्पाइक प्लांट ओके, अब लॉकडाउन का इनका एक्सचेंज कर देंगे बट वेंका इज गुड फॉर वन, लेकिन इस बार ट्रेड लिया सेवरीन ने, दोनों खेल जो है अपने लॉकडाउन के साथ तैयार है, यहाँ से डिफेंडर्स और दूसरी तरफ से अटैकर्स, तो ये अगले 14 सेकंड तो बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं, बट होक्स एक का फ्राग लेकिन पैराडॉक्स है परफेक्ट ट्रेड और पैराडॉक्स विद द रिवाइव, अब यहाँ बचाया जरूर जा सकता है लेकिन कोहली हंटर्स फ्यूरी पे स्पाइक के ऊपर दिक्कत है और ये अटैकर लॉकडाउन भी जाएगा, लेकिन अब यहाँ परेशानी में डाल सकते हैं कोहली टीम को और कोहली विद दैट फ्राग एंड सेकंड लेकिन स्टिक हो रहा है एंड स्टिक करके सेवरीन पिस्टल जीत लिया है, पैराडॉक्स ने एक ओपनिंग ढूंढी जरूर है और पीछे से सेवरीन दूसरा ढूंढ लेंगे एड्रियन किंग पे, गुड ट्रेड्स ऑल अराउंड लेकिन नंबर 100 बिल्कुल रेवेनेंट के पास और ये चीकी एंगल चेक किया जाएगा और सायो को फ्रैग मिला था बट सेवरीन जस्ट बेटर, अ 3 के ओवर सेवरीन एंड द थर्ड राउंड फॉर रेवेनेंट, वेपन भी ड्रॉप और ये नंबर्स का एडवांटेज बनाया जा सकता है और ये वेपन स्पॉट हो गया है, साचल से परेशानी में डाल जरूर है सायो, फ्रैग भी बटोरेंगे बट सायो पीछे आया सपोर्ट देने के लिए, ये फ्रैग्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बैक साइड पे अभी भी सेवरीन मौजूद है विद द बुलडॉग इन हिज हैंड, लेफ्ट साइड डॉसनाइन शॉट लैंड नहीं करा पाएंगे एंड सायो को फ्रैग मिलेगा बट पैराडॉक्स ऑन द अदर साइड, एड्रियन किंग को ढूंढा और स्पाइक को बी हेवन पे गिरवा दिया है, सेवरीन का ये पुल परेशानी में डाल सकता था बट सायो विद द 3K राउंड में बहुत क्रूशियल फ्रैग है और सब कुछ टाइम यहां पैराडॉक्स पे डिपेंड करता है, पैराडॉक्स टाइम भी खेल रहे हैं और फ्रैग्स भी बटोर रहे हैं, ये चौक दिखा पाएंगे कैप्टन एरन एंजी, दिस Captain Aaron speaking from Garuda Indonesia Airlines. Our destination is gonna be Osaka, Japan, and estimated time is gonna be 7.5 hours. I remind you to keep seated and fasten your seat belt. And thank you. Anji, keren gue.